दोस्तों कंप्यूटर के बारे में आप काफी कुछ जानते होंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के बारे में। मतलब ये कितने कंपोनेंट्स हैं, इसके क्या क्या काम है, इसके बारे में आज आपके साथ डिस्कशन करूंगा। दोस्तों मेरा नाम है संजीव और आप देखिए मेरा यूट्यूब चैनल द अनस्टॉपेबल पावर। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कंप्यूटर्स के बारे में। जैसे कि आपको पता है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो एक बाइनरी मशीन यानी कि मशीन लैंग्वेज के ऊपर चलती है, बाइनरी लैंग्वेज के ऊपर काम करती है। ये हमारे द्वारा दी गई कोई भी इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करके हमें मीनिंगफुल रिजल्ट आउट करता है। लेकिन हमारी बात हो रही है कंप्यूटर की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के बारे में कि हार्डवेयर क्या है कंप्यूटर का और सॉफ्टवेयर क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में। दोस्तों हार्डवेयर कंप्यूटर का वो कंपोनेंट होता है जिसे हम देख सकते हैं और हाथों से छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो हमारे हार्डवेयर होते हैं। हार्डवेयर में हमारा आता है जैसे हमारा इनपुट आउटपुट, हमारा मेमोरी यूनिट हो गया, हमारा सीपीयू हो गया। लेकिन इन सभी के बारे में हम बता देते हैं। सबसे पहले बात आती है कंप्यूटर के हार्डवेयर के इनपुट डिवाइस की। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिसके द्वारा हम कंप्यूटर के अंदर कुछ भी इन करते हैं, मतलब कुछ भी इंस्ट्रक्शंस या इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर इन करते हैं, मतलब दी जाती है कंप्यूटर को। कोई भी आदेश निर्देश कंप्यूटर को जो दिए जाते हैं वो हमारा इनपुट कहलाता है। इनपुट डिवाइस हमारे बहुत से हैं, जैसे कि हमारा कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, हमारा स्कैनर हुआ, हमारा जॉयस्टिक, लाइट पेन, मतलब और भी बहुत सारे हमारे डिवाइस है, जैसे हमारा वेब कैमरा हुआ। तो ये जितने भी डिवाइस है ये हमारे इनपुट कहलाते हैं। अब बात आती है सेकंड हमारे आउटपुट की, मतलब सभी ऐसे कंपोनेंट जिसकी मदद से हमें कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, मतलब यूजर कंप्यूटर से यूजर को मिलती है, वो हमारा आउटपुट कहलाती है। जैसे कि कंप्यूटर से स्क्रीन जो हमें देख रही है, मतलब डिस्प्ले दिख रही है हमें, तो जैसे हमारा मॉनिटर आ गया, प्रिंटर जो हमें हार्ड कॉपी दे रहा है, हमें स्पीकर जिससे हमें साउंड मिल रही है, प्रोजेक्टर हुआ हमारा जिससे हमारी जो है स्क्रीन हमें मिल रही है। तो ऐसे बहुत से कंपोनेंट है जिससे हमें आउटपुट मिलती है, तो ये कंप्यूटर के जो है आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। अब बात आती है कंप्यूटर की सीपीयू की, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये भी एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। कंप्यूटर के जितने भी ऑल ओवर ऑपरेशंस है वो हमारा सीपीयू ही हैंडल करता है, मतलब जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस या अदर जितने भी कंट्रोल है वो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास है, सीपीयू के पास है। तो सीपीयू कंप्यूटर का हार्ट है, एक ब्रेन है जो ऑल ओवर प्रोसेस को मैनेज करता है और सारे के सारे प्रोसेसिंग यही काम करता है। अब बात आती है कंप्यूटर के जितने भी प्रोसेस हो रही है, जितने भी डाटा इन हो रहा है आउट हो रहा है, सारा का सारा इसके लिए एक मेमोरी चाहिए होती है। इसलिए कंप्यूटर के अंदर एक मेमोरी यूनिट होता है जो हमारा एक प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। जैसे कि हमारा कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी जो सबसे पहले इनिशियली काम करती है वो हमारी रैम होती है जो टेम्परेरी डाटा स्टोर करने का काम करती है, और जो सेकेंडरी हमारी जो सेकेंडरी मेमोरी वो हमारा हार्ड डिस्क होती है जिसमें हम परमानेंटली डाटा स्टोर करके रख लेते हैं। हार्ड डिस्क हुआ, पेन ड्राइव हुई, हमारा और भी बहुत सारे डिवाइसेस है जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं, जैसे सीडीज है हमारी, डीवीडीज है, टेप ड्राइव है, तो इन सभी में हमारा जो है मेमोरी डाटा स्टोर किया जाता है। तो कंप्यूटर के ये चार हार्डवेयर कंपोनेंट्स थे जिसमें हमारा इनपुट डिवाइस आता है, आउटपुट डिवाइस, एक हमारा सेंटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू, और फोर्थ हमारा आता है मेमोरी यूनिट। अब बात आती है सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर वो कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के जिसे हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। जैसे कि हमारा कंप्यूटर के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर है जो हमें देख रहे हैं, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, वो हमारा सॉफ्टवेयर कहलाता है। कंप्यूटर का सबसे मेन और बेस जो है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हमारा हार्डवेयर जो है किसी भी काम का नहीं है। तो कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी कि इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, मतलब जो सिस्टम को काम करवाने में हेल्पफुल करता है। जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा हमारी विंडोज होगी, हमारी लाइनक्स होगी, उबंटु, फेडोरा, जितने भी हमारे ये सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम हुए, हमारा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे कंप्यूटर में काम करता है। आजकल आप देख सकते हैं कि आपके किसी भी कंप्यूटर में विंडोज 7, XP, 8 या 10 हमारी काम करती है, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर। जब तक हम कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं डाल देंगे तब तक हमारा कंप्यूटर एक डब्बा है, खाली बॉक्स है, ये किसी भी काम का नहीं है। मतलब ये कंप्यूटर के हार्डवेयर और हमारे साथ कम्युनिकेशन करवाने का काम करता है, तभी हम इनपुट्स का काम ले सकते हैं, तभी हम जो है आउटपुट और सीपीयू का काम ले सकते हैं। अब सेकंड जो हमारा आता है वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोस्तों वो काम होते हैं जिससे हम अपना काम करते हैं, वर्क करते हैं। जैसे कि हमारा एमएस ऑफिस हुआ, जिसमें हमारा वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, हमारा पेंट हो गया,
और भी बहुत सारी एप्लीकेशन जिसके हम अपने जो है डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाता है। अब हमारा थर्ड कंपोनेंट्स की बात होती है सॉफ्टवेयर की, वो होता है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। दोस्तों यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कस्टमर की मांग पे बनाए जाते हैं, जैसे कि हमारा ऐसे सॉफ्टवेयर जो कस्टमर की मांग पे बनाया, जैसे हमारा वीडियो मिक्सिंग का हो गया, हमारा डीजे के लिए हो गया, म्यूजिक सुनने के लिए हो गया, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो कस्टमर खुद अपनी डिमांड पे बनाते हैं कि मुझे ऐसा सॉफ्टवेयर, जैसे जैसे हमारा अकाउंटिंग से रिलेटेड हो गया, हमारा वीडियो से एडिटिंग से, मतलब और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स है जो हम जो है इनसे काम में लेते हैं, तो ये हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। एंड जब लास्ट और वन ऑफ द मेन जो हमारा सॉफ्टवेयर आता है वो होता है हमारा लैंग्वेज सॉफ्टवेयर। लैंग्वेज सॉफ्टवेयर को प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, मतलब वर्ल्ड वाइड जितने भी सॉफ्टवेयर हमारे बनते हैं वो हमारा लैंग्वेज सॉफ्टवेयर की मदद से बनते हैं। मतलब पुराने टाइम में हमारी जो लैंग्वेजेस चलती थी वो हमारी होती थी फोर्ट्रन, पास्कल, कोबल, बेसिक, ये हमारी काफी पुरानी होती थी। लेकिन आजकल जो ट्रेंड में चला हुआ है वो हमारा ऐसे सी, सी प्लस प्लस, जावा और एक्सेल, विजुअल बेसिक, ये आपने काफी सुना होगा। ये वो सॉफ्टवेयर है जिसके हमारे सारे के सारे सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। दोस्तों ये थी कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई तो इसे जरूर लाइक करें, अगर आपका कोई सुझाव या कोई सवाल हो तो मुझे नीचे कमेंट करिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।